कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे पर कायम फैक्ट्री में लगी आग पर 5 घंटे गुजर जाने के बावजूद काबू नहीं पाया जा सका। फायर ब्रिगेड ने स्नार्कल को भी तलब कर लिया और इसी पर मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे नवीद अमीर से जो इस वक्त जाए वकुआ पर मौजूद हैं। जी नवीद, अपडेट कीजिएगा। जी देखें, सुबह सवेरे जो आज चीज़ का वाक़ पेश आया था कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे में, जहाँ फैक्ट्री में आग लगने की इतलात मौसूल हुई, जिसके बाद जो है इब्तदाई तौर पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियाँ जायवकुआ पहुँची और इब्तदाई जो आग बुझाने का अमल है उसको आगाज़ किया गया था। अब इस वक्त मैं आपको स्पॉट से जो है आगाह कर रहा इस वक्त मौजूद हूँ। शुरू में 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई थी, उनसे ये आग का जो तमाम तर प्रोसेस है जो है काबू पाया ना जा सका, जिसके बाद जो है मजीद 2 गाड़ियों को तलब किया। 6 गाड़ी फायर टेंडर ने इस कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे पर कायम फैक्ट्री में लगी आग पर 5 घंटे गुजर जाने के बावजूद काबू नहीं पाया जा सका। फायर ब्रिगेड ने स्नार्कल को भी तलब कर लिया है और आपको बताएं कि आग फैक्ट्री की दूसरी मंजिल पर लगी है। और ठीक है नवीद, बताइएगा किस नौयत की आग बताई जा रही है और कैसा धमाका हुआ है? जी देखिए, यही मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि अब स्नार्कल यहाँ पर तलब कर ली जा चुकी है। वजह आग की ये थी, काबू क्यों नहीं पाया जा सका, क्योंकि फायर टेंडर जो है वो 6 मसरूफ़ अमल थे। आग जो है वो 3 मंजिल इमारत में लगी है, जिसकी 3री मंजिल पर आग ये लगी है और फायर टेंडर के पास ऐसा कोई सहूलियात नहीं होती कि वो आग पर काबू पाया जा सके। तो स्नार्कल अभी मसरूफ़ अमल है। अगर मेरा कैमरा मैन वारिस आपको दिखाए तो मेरे अकब में स्नार्कल का जो फायर फाइटर्स हैं, स्नार्कल के जरिए जो है आग पर काबू पाने के लिए तक्को दो कर रहे हैं। ये तौलिया फैक्ट्री बताई जा रही है, जिसमें पैकिंग का अमल जो है मुकम्मल किया जाता था। जिस वक्त ये आग लगी अलल सुबह सिर्फ चौकीदार मौजूद था, जिसकी वजह से अभी तक ताहाल कोई जानी नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई है। रेस्क्यू के इदारे यहाँ मौजूद हैं, एम्बुलेंसेज यहाँ मौजूद हैं, जबकि फायर ब्रिगेड का अमला जो है वो आग पर काबू पाने के लिए तक्को दो कर रहा है। इस वक्त 6 फायर टेंडर इस जगह पर मौजूद हैं, जबकि वाटर बाउजर जिसके अलावा भी इजाफी तौर पर जो वाटर टैंकर थे उनको तलब किया गया है। जबकि आप स्नार्कल आने के बाद जो है अब कहा यह जा रहा है कि आग पर अगले 20 से 30 मिनट के अंदर जो है काबू पा लिया जाएगा। हमारी चीफ फायर फाइटर से जब इस बात हुई सवाले से तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ भी कहना कबला वक्त होगा कि वजह जो आतिशजदगी है वो क्या है। तो अब स्नार्कल आने के बाद वो कह रहे हैं कि जो आग का जो प्रोसेस है इसको काबू करने का वो 20 से 30 मिनट लगेंगे, जिसके बाद इस पर काबू पा लिया जाएगा। जी आग पर काबू पा लिया जाएगा। अपडेट कर रहे थे नवेद अमीर, आपका शुक्रिया।